है कि आपको हर घर के अंदर देखते हैं कि आपका एक डॉक्टर घुसा हुआ है, इसलिए क्या अगर स्वच्छता का विशेष करके पर्यावरण का स्वच्छता का आप ध्यान रखेंगे, अपने साफ सफाई का आप ध्यान रखेंगे, तो आपको किसी प्रकार की गंदगी का, किसी प्रकार की बीमारी का आपको भविष्य में कभी भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। मेन चीज मैंने देखने में आया है कि जहाँ जहाँ गंदगी है उस इलाके के आदमी आपको ओपीडी के अंदर पर्चा बना के अपने लाइन में लगे रहते हैं। इसलिए अगर आप साफ सफाई, अपनी खुद की सफाई, और मैं विशेष करके यहाँ के स्थानीय बटालियन कमांडेंट साहब का आपका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपने बहुत ही, क्योंकि ये आप देश के तत्पर के अंदर लाइन ड्यूटी और सेंसिटिव ड्यूटी से इन्वॉल्व होने के बाद भी अभी ये जाने के बाद अपने जन्मभूमि की सुरक्षा की ड्यूटियों को संभालेंगे। इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर, मूल्यवान समय देकर आपको इस को जागृति के देने के लिए इन्होंने किया है। इसलिए क्या मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि समय समय पर ऐसे ही जागृति के लिए हम आपको, मतलब क्या है, आपको जगाते रहेंगे। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, सिर्फ आप हमें सहयोग दें, मैं उससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं हूँ। सपन कुमार सट्टी जी, जोरदार तालियां ऐसा ही। उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्ति और स्कूल के बच्चे लोग, आज हमारा जो अभियान चलाया गया इसमें हमारा सोलह बेटे ने सीआरपी सरपी इसमें योगदान दिया, और सभी के साथ हम जो विकास बाजार से लेकर के बंगाली घाट तक हम सफाई अभियान किया, इस सफाई अभियान में मैं देशवासियों को ये संदेश भेजना चाहता हूँ, जो हम देश को स्वच्छ और साफ सुथरा रखे इसके लिए हर व्यक्ति को इसमें योगदान देना पड़ेगा, तभी ये संभव हो सकता है। और हमारे को ये उम्मीद है और देशवासियों इस संदेश के ऊपर जरूर ध्यान में रखेंगे, और ध्यान में रख करके प्रदेश को, शहर को, देश को जरूर साफ सुथरा रखने में सहयोग करेंगे। हमारा और एक संदेश और व्यक्ति को हम बताना चाहते हैं कि जहाँ पर कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते, इस्तेमाल करके उसको फेंकने का जरूरत पड़ता, उसको सही दिए हुए जाएगा फेंके, और एक दूसरे को कोई गलत जाएगा में उसको फेंकते हैं, तो जो देखने वाला उसको बोलना चाहिए, भाई साहब कि बहन जी ये चीज आप जहाँ पर फेंकने का जाएगा वहाँ पर फेंकिए, तो एक दूसरे को ऐसे बताने से क्या उसको भी दिल में आएगा और दोबारा ये गलत काम मतलब नहीं करेगा, जिसके कारण हमारा पूरा देश एक बहुत स्वच्छ और सुथरा अच्छा भारत बन सकता है। इसीलिए बार बार चाहता हूँ कि सभी इस पर ध्यान दें और इसको अमल करें और देश को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री सपन सरकार, और आगे भी इस तरीके के स्वच्छता अभियान हम लोगों को के प्रति जागरूक करने के लिए करते रहेंगे। हमारे मध्य जनपद के जो मीडिया के लोग हैं उन्होंने भी हमारा खूब सपोर्ट किया और इस अभियान को वाकई सफल बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इस अभियान को काफी हद तक सफल बनाया। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करना चाहूंगा, जोर से तालियां दबाइए एंड थैंक यू।